हेलो स्टूडेंट्स, और आज का मेरे ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारे चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन ऐसा हो रहा है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट, मतलब 3 से 4 स्टूडेंट का कॉल मेरे पास आया जिनकी कंप्लेन आई है, तो वो सारी चीज़ें इग्नोर करने वाली नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि आपको वीडियो बना के ये मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि आपको इन स्कैमर से, इन फेक कॉल से आपको बचना है। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू BSP फार्मेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग नोट्स ऑर्डर कर रहे हो, हमारे थ्रू आप नोट्स ऑर्डर कर रहे हो, आपके घर पे नोट्स डिलीवर किए जा रहे हैं, आपके पास पहुंच भी रहे हैं पार्सल सक्सेसफुली। अभी तक हमने 250 प्लस पार्सल्स अपने डिस्पैच भी कर दिए हैं, बच्चों के पास पहुँच भी गए हैं 250 प्लस पार्सल्स। सो मैं आपको ये बता दूँ बेटा कि आप लोगों के पास कॉल आ रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। जब एक बच्चे का मुझे कॉल आता है तो मुझे लगा ठीक है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो मैंने भी इग्नोर कर दिया। बट 3 से 4 बच्चों का कॉल आना, सेम प्रॉब्लम होना, तो ये थोड़ा सा मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से फेक कॉल्स आ रहे हैं, किस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं। मुझे नहीं पता उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से जाता है, उन्हें ये कहाँ से पता चलता है आपका पार्सल आने वाला है। सो एक स्टूडेंट के पास कॉल जाता है तो वो जो बंदा है सामने वाला, जो भी स्कैमर है, वो बोलता है कि आपका पार्सल है और आपको पार्सल कब रिसीव करना है। बच्चा बोल देता है मुझे आज ही रिसीव करना है, तो बोल देता है अगर आपको आज ही रिसीव करना है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे इतना पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आप अपनी बैंक डिटेल दे दीजिए, तो हम इस तरह यहाँ से वो प्रोसेस में जाएगा, उसके बाद आपका पार्सल आपको मिलेगा। बेटा देखो, आपको पता है आपने जो पार्सल मंगवाया वो प्रीपेड है, आपको पार्सल वाला आएगा ले लेना है, उसके अलावा आपको कोई पैसा नहीं देना। आपको पता है पहले से चीज़ें प्री पेड़ है, आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अगर कोई बोले कि पार्सल का पैसा आप दो और उसके बाद पार्सल लो, बोल देना है मैं कोई पार्सल लूंगा ही नहीं, मेरा ऐसा कोई पार्सल है ही नहीं। अगर कोई भी पैसे का नाम ले, इसका मतलब है वो स्कैमर है। कोई भी पैसे का नाम ले, इसका मतलब है वो आपके साथ गलत करना चाह रहा है, आपके पैसे फालतू में खराब हो जाएंगे। तो आपको मैं पहले से अलर्ट कर देती हूँ बेटा, अगर जो हमारे हेल्पलाइन नंबर ये दिए हुए हैं, ये स्क्रॉल हो रहे हैं जो स्क्रीन पे, इनके अलावा किसी भी नंबर से कॉल आता है BSP फार्मेसी का नाम लेके, आपने रिसीव नहीं करना है। और अगर करना भी है तो आपको उनकी कोई बात माननी नहीं है। BSP फार्मेसी का जो QR कोड है जिसपे आप पेमेंट करते हो, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हमें डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम उन्हें कोर्सेज में ज्वाइन करवाते हैं, तो पेमेंट करने से पहले आपने सर्च कर लेना है कि जो अकाउंट है वो बबीता रॉय के नाम से आ रहा है, क्लियर। और पेमेंट अगर आप QR कोड पे कर रहे हैं तो 2 बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करूं। मैं बोलती हूँ पैसा भेजने से पहले 2 बार रीचेक करो, उसके बाद पैसा भेजो। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पैसा पेमेंट करने की जब तक आप चेक ना कर ले, जब तक आप श्योर ना हो जाए। अगर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछते हैं और इन नंबरों से आपके पास कॉल जाता है, मैसेज जाता है, तभी आपने उसका रिप्लाई करना है। अदरवाइज अगर आपको एप्लीकेशन से मैसेज जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, एप्लीकेशन के थ्रू अगर कॉल जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, इन हेल्पलाइन नंबर से कॉल जा रहा है तो कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन QR कोड पे पेमेंट करने से पहले 2 बार चेक करें, प्लीज़ 2 बार चेक करें, ठीक है। डायरेक्टली इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, बात करें, मैम या सर जो भी रिसीव करें उन्हें बोले कि सर मैं पेमेंट करने वाला हूँ, यही QR कोड है, आप एक बार रीचेक कर लीजिए, क्लियर, तब आपने पेमेंट करना। और एप्लीकेशन पे अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्लियर हो रहा है बच्चे। तो किसी का भी कॉल आए BSP फार्मेसी का नाम लेके और कोई भी अनवांटेड अगर वो आपसे पैसा मांगता है, मंगवाता है, आपने मना कर देना है कि मुझे पैसा नहीं भेजना है। और QR कोड जो भी आपके पास सेंड करे तो वो प्लीज़ इन हेल्पलाइन नंबर का आप ध्यान रखें कि इन हेल्पलाइन नंबर से अगर QR कोड आए तभी आपने पैसा ट्रांसफ़र करना है, अदरवाइज आपने पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। बाकी भी जितने भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कोई केस हुआ हो जो आपको लगता है कि फेक है, जो आपको लगता हो कि गलत, मतलब मेरे पास जो कॉल आया वो गलत है, पैसा वैसा मांगने के लिए कोई कॉल करता है, तो आप मुझे बताएं, उनका नंबर भी हमें फॉरवर्ड करें, तो हम उनसे संपर्क करेंगे और बात करेंगे। और इसके खिलाफ जो अभी तक 2-3 बच्चों ने बताया उनके लिए इंक्वायरी बैठ गई है, मैंने जो साइबर क्राइम है वहाँ पे वो नंबर्स दे दिए गए हैं। अब देखो क्या आता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है, कौन है, कहाँ से मिल रहा है नंबर, क्या हो रहा है, तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है, लगता है आपको, तो वो भी नंबर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क करके वो नंबर ड्रॉप करवाएं, उन्हें भी हम आगे फॉरवर्ड करेंगे जिससे कि उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन हो सके। ओके स्टूडेंट्स, बी सेफ, अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। हमारी एप्लीकेशन पे हमारा मोटिव है फार्मेसी फील्ड में रिवॉल्यूशन क्रिएट करने का, हमारा मोटिव है फार्मेसी फील्ड को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने का, और हमारा मोटिव है एक फार्मासिस्ट को इंडिया के अंदर
सच में रेपुटेटेड फार्मासिस्ट बनाने का और सच में फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट की तरह देखा जाए, ये हमारा मोटिव है। सिर्फ बीएसपी फार्मेसी यही चाहता है कि जितने भी बच्चे बीएसपी फार्मेसी से जुड़ के अपनी फार्मेसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, वो सच में बाकी के जो फार्मासिस्ट हैं, बाकी के जो स्टूडेंट हैं, उनसे कुछ ना कुछ तो अलग हो, बहुत कुछ अलग हो, और उसे बाद में कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भगना ना पड़े। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जॉब निकल रही है उसके लिए कोचिंग करो, जीपैट की तैयारी करनी है उसके लिए अलग से कोचिंग करो, 25-30 हज़ार फिर से दो, फिर से नोट्स खरीदो। हमारा मोटिव है पहले दिन से आपको उन 4 साल बाद आपकी जॉब के लिए तैयार किया जाए। ज़रूरी है आप इंजॉय करो अपनी लाइफ में, खूब इंजॉय करो, कॉलेज लाइफ है, लेकिन ज़रूरी ये भी है बेटा 4 साल, ये आपके 4 साल आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लगता है कॉलेज टाइम में कि इंजॉय करें, पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ाई से क्या रखा है, जॉब तो मिली जानी है, फार्मेसी के बाद तो पैसे का पेड़ लग जाएगा, चारों तरफ से पैसा आएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, फार्मेसी की डिग्री लेके बहुत सारे लाखों बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। तो ज़रूरी है स्किल्स पर काम करो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंजॉयमेंट करो, इंजॉय करो लाइफ में, कॉलेज लाइफ है, इंजॉय करो, लेकिन ज़रूरी है अपनी स्किल्स पे काम करना। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर करो प्लीज़, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने जो फार्मेसी के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर ज़रूर करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रूर मेरा वीडियो ये शेयर करो, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए जिनके साथ ये गलत हो रहा है, स्कैम हो रहा है, फेकर्स उनके साथ गलत कर रहे हैं। सो प्लीज सबके पास ये वीडियो मेरा फॉरवर्ड करो। थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET B Farm का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।